रोते तन्हाई में? मैं बड़ा रोता हूँ, तन्हाई में नहीं, मैं किसी को तकलीफ में देखूं रोने लग पड़ता हूँ। मैं एक्टर हूँ, मैं फिल्म देखूं रो पड़ता हूँ। ये जो शोज़ नहीं आते, रियलिटी शोज़, हमारे तो कम होते हैं, इंडिया में जो होते हैं, वो जो गरीब बच्चा जब आके कुछ करता है और उसके माँ बाप की जो फीलिंग्स होती हैं, वो मेरी तो चीखें निकलवा देते हैं। मैं किसी की बेटी की रुखसती पे मैं रो रहा होता हूँ, मुझसे पता नहीं क्या, मेरे आंसू यहाँ पड़े रहते हैं। मैं अगले की फीलिंग्स अपने ऊपर तारी कर लेता हूँ, पता नहीं मुझे ये क्या एक मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं ऐसा हो जाता हूँ। खुशी कौन सी बात देती है? छोटी छोटी बातों पे खुशी, और होना भी चाहिए, खुशियाँ बड़ी कम होती हैं। और लोग समझते हैं कि जी हम लोग हर वक्त हंसते खेलते हर वक्त गाते रहते होंगे, घर में बड़ा संजीदा रहता हूँ मैं, और बाहर निकल के लोगों के लिए हंसना पड़ता है, यार बड़े सीरियस हो तुसी। मैं कहा यार हूँ मैं हसाण के पैसे लेना हूँ, इतने भी मैं मुफ्त हसावा तुहानू ऐसी वो मतलब लोग चाहते हैं कि हंसता जिस तरह उधर है तो 24 घंटे ऐसा ही होगा, लेकिन खुशी गम इंसान के साथ हैं। अब तो यही है, खुशी बच्चों की खुशियों में खुश हो जाते हैं जी, बच्चे इस चीज़ में खुश हैं जी, अच्छा हम भी देख के खुश होते हैं। जब छोटे छोटे थे वो किसी चीज़ में खुश होते थे, तो हम देखते हैं वो बॉल बैठ के पानी में हाथ मार रहे हैं खुश हैं, तो 2-2 घंटे वहीं बैठे रहना। इस बात से फिर पता चला कि हमारे माँ बाप भी हमारा कितना ख्याल करते थे, वो बाद में पता चलता है। खैर अब वो कहते हैं जी ये करना है, तो हम कहते हैं चलो अल्लाह करे यार करो। अभी बेटा ग्रेजुएशन किया है माशाल्लाह, मैंने कहा आगे पढ़ो, कहता है बाबा अब काम करना है, मुझे काम करवाएं। पढ़ लिया, मैंने कहा बेटा डिग्री ले लो, कहता है मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन अभी भी मेरे लिए यही बड़ा है कि मेरी फैमिली में ग्रेजुएट तो हैं बहुत, लेकिन लम जैसे अदारे से मेरा बेटा, मतलब मैं जिसकी इंग्लिश में 2 दफ़ा कंपार्ड आई है, वो वहाँ से डिग्री ले, और मेरी फैमिली में तो बड़ा, मेरे सब ने मुझे बड़ी मुबारकबाद दी, बल्कि मेरे ससुराल में भी मेरा ख्याल है पहला ही बच्चा है। हाँ, तो अदारे से एक ग्रेजुएशन होती है सब भी, लेकिन एहसन और जैन, एहसन खान और जैन खान, एहसन अफजल खान, जैन अफजल खान। आप का खदोखाल, एक उम्र आती है जब इंसान का खदोखाल बदलता 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 वालिद जैसा होना शुरू हो जाता है, आप उस स्टेज पे आ गए? मैं अपने वालिद की अगर तस्वीर देखूँ ना, जब उनकी मूछें नहीं थी, तो छोटी छोटी मूछें जब आना शुरू होती हैं, उनकी एक तस्वीर ड्राइविंग लाइसेंस पे, वो मेरे पास अभी भी है, बल्कि वो ड्राइविंग लाइसेंस ही मैंने शायद रखा हुआ है अपने पास। तो जब मैं आया था गेस्ट हाउस आने से पहले, जब मेरी मूछें आने लगी थी, तो मैं सेम उस तस्वीर जैसा लगता था। आज एहसन जो है वो उस तस्वीर जैसा लगता है। अच्छा, दादा पे गए? बिल्कुल वही, ये इसलिए पता चलता है कि अब तस्वीरें सेफ हो जाती हैं। अगर आप भी आप अपने वालिद की फोटो देखेंगे, फिर अपने दादा की अगर हैं, अब लोगों ने रखनी शुरू करनी है, तो असल में एक ही सांचा चल रहा होता है, 19-20 का फर्क अल्लाह मियाँ डालता रहता है, वो चलता रहता है सिलसिला। अब मेरे बेटे की आंखें, मेरे बेटे की ये गर्दन, यहाँ की हड्डी मेरे वालिद साहब की थी, मेरी भी थी, अब छुपना शुरू हो रही है, ये है वो, उसी तरह की आंख, उसी तरह की हंसी, और ये जो कट है, ये वाली हड्डी हमारी फैमिली में, मेरे दादके में बहुत सारे मेरे कजन की भी है, ये इतना खूबसूरत ऐसे कट जो आता है, सीधा ऐसे नहीं है, यूं है, तो ये एहसन की है, वालिद साहब की थी। मेरी अगर गेस्ट हाउस या पुरानी फिल्म देखें, तो उसमें आपको ये जॉ लाइन लगी बिल्कुल 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 मिलेगी। तो वो अपने दादा पे है। अब मैंने गेटअप किया था अपने एक ड्रामे में, गिलगिती टोपी वो पहनते थे, और एक चादर बगल में, और या इधर हजारे की, हजारे की है। तो मैं उसी तरह का, और मूछें भी मैंने ज़रा यूं कर ली थी, तो मुझे मेरे सारे कज़न और मामू कह रहे हैं यार तू लाला लग रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल लगता है लाला खलोते हैं, अबू को अबू लाला कहते थे। तो वो बाप जो है, वो बेटा जो है बाप पे ही होता है। अच्छा, 3-4 बच्चे होंगे, उसमें से एक तो 19-20 होगा, बाकी थोड़े थोड़े चेंज होते जाएंगे, फिर उसमें माँ की तरफ से भी आता है। और अब जो छोटा है,
उसमें कभी उसे देखो तो वो लगता है माँ के ऊपर है टोटल, कभी देखो तो लगता है मुझ पे है, असल में वो दोनों का मिक्सचर है।